नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस के एस किचन में। तो आज हम लोग ये शाही पनीर बनाना सीखेंगे, वो भी विदाउट अनियन गार्लिक। और आप सभी ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 से 15 काजू ले लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ टमाटर ले लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च। इन सभी को मिक्सर में डालकर और हमें इसे का बहुत ही बारीक एक पेस्ट तैयार कर लेना है, लाइक दिस। और अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ये पनीर ले लिया है और पनीर को मैंने पहले ही पानी के अंदर बॉईल कर लिया है। और अब हम यहाँ तो दोस्तों यहाँ पर मैंने करीबन 10 काली मिर्च का पाउडर तैयार किया है। ये 1 इंच दालचीनी का पाउडर है। उसके बाद में ये करीबन 3 से 4 जो छोटी वाली हरी वाली इलायची आती है ना, उसका पाउडर तैयार किया है मैंने। और उसके बाद में आखिरी में ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है हमारा फूल चक्र। आधा फूल चक्र लेकर उसको मैंने बारीक बारीक कूट लिया है। अब आप अगर आप चाहते हैं कि आपको खड़े मसाले डालने हैं तो आप खड़े मसाले ऐड कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस तरीके से पाउडर बना के डालेंगे तो क्या होगा, ये मसाले खाने में आएंगे। अदरवाइज़ अगर हम खड़े मसाले डालते हैं तो अधिकतर हम निकाल कर फेंक ही देते हैं। तो अब जो है मैंने एक बर्तन में एक कढ़ाई में तेल ले लिया। तेल के अंदर जो मैंने पनीर के पीसेस रेडी किए थे उन पीसेस को डालकर हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसको सेक लेंगे। तो ये जो है प्रोसेस बहुत ही इजी है, बहुत क्विकली हो जाता है और इसे करने से हमारा जो पनीर का टेस्ट होता है ना वो बहुत ही लाजवाब हो जाता है। अब हम इसमें करीबन 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। उसी ऑयल में मैंने जीरा डाला है 1 छोटा चम्मच और करीबन 1 चुटकी मैंने इसमें हींग डाली है। अब हींग और जीरे को अच्छे से हम पकने देंगे, मतलब सिक जाएंगे। और जैसे ही ये सिक जाते हैं हमें हमारी फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम को बंद करने के बाद में जो हमारे सारे खड़े मसाले थे, जो खड़े मसालों का पाउडर हमने तैयार किया था, जैसे अभी मैंने डाली इलायची पाउडर, काली मिर्च, दालचीनी पाउडर और फूल चक्र का पाउडर, जो हमने पाउडर्स रेडी किए थे वो सारे हम इसमें डाल देंगे। अगर आप उनका पिसा हुआ रूप नहीं डाल रहे हैं तो आप खड़े मसाले यहाँ पर डालकर उसके बाद में गैस को ऑन कर उनको हम अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से सेक लेंगे। और इस समय पे हमारी जो फ्लेम है, हमें ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस हमें मीडियम फ्लेम पर ही करनी है। और अब हमें क्या करना है, जो टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, काजू का हमने पेस्ट रेडी किया था उसको इसमें डाल देना है। और ऊपर से लाल मिर्च पाउडर, जितना आप तीखा खाना चाहते हैं उतना, धनिया पाउडर करीबन 1 बड़ा चम्मच, सॉल्ट, मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल करती हूँ, आप सभी को बोलूँगी सेंधा नमक का इस्तेमाल नॉर्मल खाने में भी करें। और यहाँ पर जो है मैंने डाली है 1 छोटी कटोरी के आसपास, मतलब 2 बड़ी चम्मच के आसपास घर की ताज़ी मलाई। अगर आपके पास घर की ताज़ी मलाई नहीं है तो जो अमूल फ्रेश मलाई आती है वो भी आप डाल सकते हैं। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद में हमें इसे अच्छे से पकने देना है ढककर। अब देखिए जो आपको दिख रहा है ना, मलाई जो है वो अच्छे से पक गई है। इस स्टेज पर हम जो है इसे और पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि हमारा जो है ये ग्रेवी है आसपास से ऑयल को छोड़ दे। ये देखिए ग्रेवी ने आसपास से ऑयल को छोड़ दिया। सबसे आखिरी में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी डालने के बाद में हम इसे अच्छे से चला लेंगे। और देखिए इस स्टेज पे डिपेंड्स आप किस तरीके की ग्रेवी रखना चाहते हैं। अगर आप थिक रखना चाहते हैं तो आप इसी में पनीर डाल के सर्व कर सकते हैं थोड़ी देर और पका कर। और अगर आप इसको थोड़ा सा और लिक्विड तरी वाली या रस वाली बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा पानी, गर्म पानी और ऐड करके उसे अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अब जो है मैंने इसमें पनीर डाल दिया। पनीर डालने के बाद में भी मैंने इसको करीबन 3 से 4 मिनट मध्यम फ्लेम पर ही ढककर पकने दिया था ताकि पनीर के अंदर मसाला अच्छे से मिल जाए। और उसके बाद में हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखिए मेरे यहाँ पे से हल्का सा वीडियो ब्लर हो गया, माफ़ी चाहूँगी इस चीज़ के लिए। बट देखिए फाइनली जो है पनीर इस तरीके से बन के रेडी हुआ था। आप इसको नान के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, बटर रोटी के साथ खाइए, जैसे खाना है वैसे खाइए। और अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट ज़रूर करिए।